मंदिर में भगवान बैठा है, साला अंधा बहरा है, बलात्कार होता है, वो देखता नहीं है, तो इसे ये साला अंधा है, इसको तो सब अंधविश्वास, इसको तो सब जूता उठ के मारना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री को मारना चाहिए, क्योंकि ये साला सब कुछ जानते हैं। नेता हैं वो चमचे हैं, कांसीराम जी कहा करते थे कि चमचों से सावधान रहो, ये चमचे हैं सरकार की, चमचागिरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, उनका धंधा चमका रहे, वो धनवान होते रहे, गरीब गरीब होते। प्रधानमंत्री मोदी चलाता तो बैकवर्ड है, वो भी समझदार है, पढ़ा लिखा है, आज बाबा साहब का संविधान न होता तो प्रधानमंत्री बनता का, उसका बाप बनता का, उसका आजा बनता का, कोई ना बनता, आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था लोग चाहते को बनता, नेहरू बनता, कोई बनता, गांधी बनता, लेकिन वो थोड़ी सा तक बैकवर्ड है, वो तो ये कि ये मुखौटा है, यानी आरएसएस का मुखौटा मोहन भागवत की चट्टी पहन के टहल रहा है, सारे काम कर रहा है। साथियों नमस्कार, आज हम प्रयागराज में पहुँचे हैं, विधानसभा फाफा मऊ है, यहाँ पे काफ़ी लोग मिले जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए हम 2022 के चुनाव को लेकर बात करेंगे, और 2022 के चुनाव को रणनीति इनकी क्या है क्या नहीं है हम उन पर बात करेंगे। और हमारे साथ में बहुजन द्रविड़ पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं 2022 के चुनाव को लेकर। तो सर आपका परिचय? मैं LV पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मैं मेंबर हूँ। और हमारी ये जो आगे की जो 2022 की आप बात कर रहे हैं, तो 2022 में जो है हमारा ये प्रयास होगा जो है कि जो जितनी भी विधानसभा 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोशिश है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जो है चुनाव लड़ाया जाएगा अपने प्रत्याशी। और ये जो वर्तमान जो सरकार जो मनुवादी सरकार चल रही है इसको जो है पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, इसके लिए हम लोग जो है रात दिन जो है प्रयासरत हैं। अच्छा, आपकी पार्टी जो है मानवर कांसीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे या 1585 एजेंडे को लेकर चलती है? जी 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 जी, ये हम लोगों का जो है पूरी पार्टी जो है उन्हीं के एजेंडे पे बनी ही है। बहुजन द्रविड़ पार्टी अगर कहा जाए तो ये बहुजन समाज पार्टी का ही जो है, मतलब बहुजन समाज पार्टी तो आज जो है वो ब्राह्मण समाज पार्टी अगर कहा जाए उसको तो कुछ भी बुरा नहीं है। और तो उस पार्टी को जो है जिस तरह से मायावती ने जो है बहुजन समाज को मतलब जो है गुमराह करके जो है बहुजन समाज पार्टी को एक तरह से बदनाम किया, बहुजन समाज को बदनाम किया, तो उस बदनामी से बचाने के लिए और बहुजन समाज के जो महापुरुषों का मूवमेंट है उसको जो है मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए जो है हम लोग बहुजन द्रविड़ पार्टी के नाम से उसी काम को कर रहे हैं जो माननीय कांशीराम साहब या बाबा साहब अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले जो भी हमारे महापुरुष जो समाज में पैदा हुए छत्रपति साहू जी महाराज, तो इन्हीं महापुरुषों के जो है जो सपने हैं जिसको माननीय कांशीराम साहब जो है बहुजन समाज पार्टी बना करके साकार करना चाहते थे, तो उस सपने को जो है हम लोग बहुजन द्रविड़ पार्टी बना करके उस सपने को साकार करना चाहते हैं। साथियों जिस तरह से आपने सुना कि माननीय कांशीराम साहब के सपने को बहुजन द्रविड़ पार्टी जो है साकार करना चाहती है, तो हमारे साथ में बहुजन द्रविड़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे चुनाव को लेकर। सर जो है 2022 के चुनाव होने वाले हैं, जी हाँ, उस पर भी बात होनी चाहिए। ठीक, जो है आपकी पार्टी किस नज़र से 2022 के चुनाव को देख रही है? मेरी पार्टी जो 2022 का चुनाव आ रहा है 17 तारीख से मेरी पार्टी का बहुजन द्रविड़ पार्टी का एक रैली है जो बनारस से शुरू होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी, जिन जिन स्टेटों में चुनाव होने हैं पूरे स्टेट चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, हम उसी के तहत उसी दिन से यह संग्राम शुरू करेंगे पार्टी का 1585 का ऐलान करके, जो हमारे 85 के समाज के लोगों का अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम उसको चुनाव में लाएंगे कि जो जैसे 69,000 भर्ती का है, 69,000 भर्ती का कोई संगठन हमारा 1585 का लेकर के वहाँ धरना चल रहा है, हम लोग कल DM को इसके विषय में एक मेमोरेंडम देंगे और 6 तारीख को जो वहाँ धरना का वो ये प्रदर्शन है, हम 6 तारीख को धरना में जो है एक आजाद समाज पार्टी है जो बहुजन समाज से निकली हुई पार्टी है, हाँ। वो भी धरना कर रहे हैं, क्या उनके साथ में आप लोग धरना प्रदर्शन करना, हाँ, पसंद करेंगे? जी, जो भी 1585 की लाइन पर बात करता है हम उसके साथ हैं, क्योंकि वो मेरी ही बात कर रहा है हम उनकी बात कर रहे हैं। रही चुनाव की बात, हम चुनाव पूरे UP में अकेले लड़ेंगे, यदि कोई भी 1585 का पार्टी का कैंडिडेट या पदाधिकारी हमसे बात करता है चुनाव पर तो मैं चुनाव के लिए उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, देखा जाए तो चुनाव को लेकर क्या किसी पार्टी से बातचीत चल रही है, क्या किसी पार्टी से गठबंधन करने के फिराक में हैं आप लोग?
जी ऐसा है, जो भी मेरी बात को समझेगा, 1585 की बात को समझेगा, वो मेरे पक्ष में बात करेगा, मेरे समाज के लिए हित के को काम करेगा, हम उसके साथ अपना बातचीत करने के लिए तैयार है। अच्छा, जो 1585 की बात करेगी, जो भी पार्टी बात करेगी 1585 की, आप उनके साथ हैं जी? जहाँ तक है अभी यहाँ पे देखने को मिला 2022 की जो तैयारी चल रही है बहुजन द्रविड़ पार्टी की, वो सुनने को मिला, तो आपका नाम क्या है? विजय पटेल, जिला महासचिव उत्तर प्रदेश, द्रविड़ बहुजन समाज पार्टी, बहुजन द्रविड़ पार्टी, बहुजन द्रविड़ पार्टी। आप जो अभी चर्चा किए कि समाज क्या दिक्कतें हैं, देखिए आज समाज में दिक्कतें शिक्षा है। जब बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो चीज़ है जो पिए गए या दूध है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो दहाड़ेगा। आज ये वर्तमान सरकार जो चाहे बीजेपी कह लीजिए, संघ कह लीजिए, आरएसएस चड्डीधारी कुछ भी कह लीजिए, इन बेईमानों की तो नियत ही समाज के रही कि भी पढ़े लिखे। आज जो मौका मिला तो कोरोना के बहाने में 2 साल शिक्षा बंद कर दी, और फिर उन्होंने क्या किया कि अब शिक्षा शुरू करने की बजाय 8 तक निःशुल्क पास, कोई मास्टर बैठी रहें चाहे 40 लें 50 लें 60 लें कोई मतलब नहीं, हमारे बच्चे चाहे पढ़े चाहे न पढ़े। लेकिन अभी भी तो दावा कर रही है बीजेपी 350 पार करेगी, 350 विधानसभा। देखो यार, चोर चोर हमेशा कहता है कि मैं दावेदार हूँ। जब हमारे बहुजन समाज के लोग इस बात को जाने कि जिसे हम लोग इस समाज को बांटे हैं 6747 जातियों में, अभी इस देश का प्रधानमंत्री, बड़े शर्म और दुख की बात है, मैं तो बहुत आवेश में बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये कहता मैं पिछड़ों का हूँ, और पिछड़ों करके आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इसको प्रधानमंत्री बना दिया। जाति गणना हो से कुत्ते बिल्ली की होगी, सब की होगी, लेकिन आज तक पिछड़ी जाति गणना नहीं हुई। अभी जो है ओबीसी जनगणना को लेकर लगातार धरना हो रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। तो बड़े शर्म की बात है, ऐसे कुत्तों को सब जूते रोज मारना चाहिए, जैसे तो इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? अब हमारे लोगों का भविष्य और कहाँ जाएगा? ये तो ब्राह्मणवादी की कठपुतली है ना, नचा रहे हैं जो कर रहा। अच्छा, आपने अभी बीच में आरएसएस का नाम भी लिया था, आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं जो नाम लिया आपने? अरे उसका तो नाम ही लेना इतना व्यर्थ है, उतने तो एक ही गांव के लोगों के, देहात के लोगों को कुछ पता ही नहीं है वो क्या करता है क्या नहीं है, लेकिन सारा दिमाग तो वही चलाता है। आपका कहने का मतलब है कि जो सरकार चल रही है वो आरएसएस चला रही है। स्वार्थ में अभी देखिए, अभी पैदा करें 12 बजे कृष्ण भगवान पैदा भयन खीरा में, अंधविश्वास है ना खीरा में, खीरा में कोई पैदा करेगा, कोई भगवान पैदा होगा? हम अपनी औलाद तो पैदा ही नहीं कर सकते, खुद नपुंसक कही और दूसरे की औलाद खीरा में पैदा के लिए, ये है ना डंबर ब्राह्मण नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि ये अंधविश्वास है, उसी तरह से हमने कल सोशल मीडिया पे लगातार पोस्टें पढ़ी, वहाँ पे पढ़ने को ये मिला कि क्या रात 12 ही बजे कृष्णा जी जन्म लेते हैं क्या? ये देखिए, ये तो ब्राह्मणवाद का प्रोपोगंडा है, उसको झूठ बोलना एजेंडा। अगर हमारा समाज जो असली चीज़ें जान जाएगा ना, तो इनको इतने जूते मारेगा, हम लोगों को कहेगा नालायक होते हो कि तुम लोग जानकार हो करके जो आज अज्ञानता में डूबे हो, कल की मेरी पीढ़ियाँ मुझको जूते मारेंगी। अगर बाबा साहब ना होते, बाबा साहब अगर संविधान ना बना होते, जितनी हम लोग पोथी पत्रा और पंडित के पोंगा में फंसा ही जो पढ़ाते ही, अगर हमारे पढ़े लिखे नौजवान, अगर हाई स्कूल इंटर के लोग हैं, अगर वो भारतीय संविधान की 41-45 जो 345 धाराएं और धाराएं हैं अगर वो पढ़ लें, तो ज़रूरत नहीं है कि पोथी पत्रा अपने आप रख देगा, ब्राह्मणवाद के सफाया हो जाएगा। अभी आप लोगों ने सुना कि जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान है, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, अगर उनके संविधान पे अगर इस देश का भविष्य, जैसे भविष्य देखा जाए, तो जनता अगर चले तो और ज़्यादा तरक्की कर जाएगा, उन्नति कर जाएगा और अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, आपका यही कहना था? हाँ, यही कहना है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है कि इस मिशन को, जो हमारे महापुरुष हैं अंधविश्वास को या ढोंग पाखंड को ख़त्म कर रहे हैं, ये गुलाम बनाने की जो इनकी प्रवृत्ति है ख़त्म ना हो जाए, ये अपना सिस्टम से चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी जो है याद आ गया, एक और चीज़ देखने को मिला था कल कि जो है कृष्णा जी जो है एक अलग अलग डेट को क्यों जन्माष्टमी मनाई जाती है,
एक ही डेट पे लोग पैदा होते हैं और अलग अलग डेट पे जन्मदिवस उनका मनाया जाता है, जन्माष्टमी जिसको कहते हैं। देखिए ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने जब हम लोगों से गोबर टट्टी पुजवा लिया तो लोग समझ गए कि इसके दिमाग में भूसा भरा है, ये इसके दिमाग में भूसा है, गोबर है थे जानता कुछ नहीं है। तो ये इनको तो भाई भगवान उनको बना कब पैदा हुई ये सब बताते रहे। अगर इन लोगों में थोड़ी भी बुद्धि हो, अगर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हमारा भला चाहते हैं, बड़ी साफ सी बात है, इसमें कोई नहीं है कि हमारे महापुरुषों की डेट बता दें, हमारे महापुरुषों संघर्ष बता दें, इसके लिए नहीं इनके पास समय है। इनको तो बस रूढ़िवादी परम्परावादी जिसे हमारे आ जा कर मानत ही गेहूँ खाए जवा खाए ये खाए तो आज कहे मेरे आलू खाता कहे भाई चावल खा रहे हो वही खाते मकरा रोटी तो कहाँ अटता है। तो आज इस युग में जो जिसे कहा जाता है कि परिवर्तन आविष्कार जो है जननी है, तो आज परिवर्तन आविष्कार की जननी है, जरूरत है सब लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को बदलना पड़ेगा, अगर हम नवयुवक नहीं समझ पाए इस बात को तो ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग ही चुनाई रख के तो ये काम ही करें, हमेशा फंसाए हैं, किसी को निकलने दिया का हमारे पढ़े लिखे लोग जितना समाज को धोखा दिया तो बाबा साहब गए थे, लेकिन आज हम मानवर साहब के दिशा निर्देश हम लोगों ने काम किया तो हमारे नेताओं ने भी धोखा दिया, ऐसा नहीं है कि वैसा। अच्छा जो है आप अंधविश्वास पे बात कर रहे हैं, तो अंधविश्वास को लेकर आप समाज के युवाओं को जो समाज का भविष्य है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, हम पूरे युवा को एक संदेश देते हैं, बड़े साफ सी बात है, पूरे दुनिया के डॉक्टर विद्वान जो भी बुला लें, हमारा युवा आँख खोले या ना खोले उस भगवान को मुझको दिखा दें, नहीं वो देख ले, वो मेरी पूरी संपत्ति ले, अपनी संपत्ति हमको दे दे, आँख खुल जाएगी। मेरे हिसाब से बात है भगवान है या नहीं है। यहाँ पे हम एक ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो दावा कर रहे हैं कि अगर कोई मुझे भगवान से मिला दे तो मैं उसको अपनी पूरी संपत्ति दे दूँगा और अगर नहीं मिलवा पाता है तो मैं उसकी संपत्ति जब्त कर लूँगा। तो इसी के साथ जो है हमारे साथ में युवा भाई हैं उनका नाम जो है काफ़ी चर्चित में रहा है, रोशन टाइगर पासी। तो हम उनसे भी बात करेंगे चुनाव को लेकर कि चुनाव में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या उनका नज़र है, क्या मंशा है, और जो योगी सरकार चल रही है कहाँ तक योगी सरकार सफल है, कहाँ तक असफल है, क्या उनके कामों से ये जनता खुश है कि नहीं खुश है। हमारा विचार ये है कि अभी आपने कहा कि जो योगी सरकार है कितनी सफल है कितनी विफल है, तो योगी सरकार जीरो, अगर उसको अंक दिया जाए तो जीरो। जिस तरह से उस इन्होंने चुनाव के पहले तमाम सारी मुद्दों पर बात किए थे, न्याय की, अधिकार की, सम्मान की, तो वो सब पूरी तरह से विछत है, उसमें किसी प्रकार की पूर्ति नहीं हुई है। और रही बात चुनाव की तैयारी को लेकर, तो हम लोग बहुजन मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब का सच्चा सिपाही हूँ और मानवर कांसीराम साहब को अपना आदर्श मानता हूँ, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। और हम लोग जाकर बहुजनों जो जितने भी 85% के लोग हैं उन लोगों तक जा कर के ये संदेश पहुँचा रहा हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस की ये जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इतना गर्त में ले जाएंगे कि भविष्य में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। और हम एक युवा होने के नाते अपने देश से, अपने समाज से, 85% वर्ग से, युवाओं से विनती करते हैं कि जिस तरह से सरकार ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियों का देने का, तो आप लोगों ने देखा कि नीट के एग्ज़ाम में हम लोगों ने प्रयागराज में धरना दिया और माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिए। तकरीबन हम लोगों का 7 से 8 दिन तक चला इस धरना प्रदर्शन में। बाद में जाकर इसका हमारे काफ़ी साथी लाठी खाए और जेल भी गए। उसके बाद से सरकार का जो ये फैसला आया तो हम लोगों के पक्ष में आया, युवाओं के पक्ष में आया, स्टूडेंट के पक्ष में आया, बशर्ते अभी 69,000 शिक्षक भर्ती चल रहा है जिसमें ओबीसी का जो आरक्षण 27% आरक्षण है उसको सरकार पूरी तरह से गबन कर चुकी है। लगभग 19,000 जो सीटें थी उस पर सवर्ण क्लास के यानी कि जनरल कैटेगरी के लोगों को वहाँ पर नियुक्ति हुई है और लगातार धरना चल रहा है जो एक हफ्ते से लखनऊ में। ऐसे बहुजन मूवमेंट को लेकर तमाम पार्टियों संगठन के लोग धरना दे रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी भी धरने पर बैठे हुए हैं और 6 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया है, चूँकि हम
अगर कोई बहुजन की बात करता है, 85% वर्ग की बात करता है, न्याय की बात करता है, अधिकार की बात करता है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है उसका साथ देने का। अगर वाकई हम लोग अगर 85% के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 85% वर्ग के लोगों को भला चाहते हैं, तो हम लोगों को ईमानदारी के साथ उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी विचारधारा पर चल रहे हैं। तो चाहे चंद्रशेखर जी हों या कोई और बहुजन समाज का नेता हो या बहुजन मूवमेंट को लेकर चलने वाला व्यक्ति हो, हम लोगों को ईमानदारी के साथ उसका साथ देना चाहिए। पार्टी और संगठन की बात को ना देखते हुए सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार ने अभी तक शोषण करती चली आई है, अगर इससे निजात पाना है तो हम लोगों को एक होना है। आगामी विधानसभा जो 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसमें एक मंच पे आना पड़ेगा। मैं तो अभी लगातार चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक पे, मैं बराबर पोस्ट करता रहता हूँ कि समाज को लूटने का ये जो काम चल रहा है लगातार, बहुजन मूवमेंट के लोग, कई ऐसे लोग हैं जो समाज को लूटने का, बरगलाने का काम करते हैं, और वोट 85% वर्ग की पार्टियों को ना दिला के वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टियों को वोट दिलाने का काम करते हैं। मैं अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों से आप लोगों को भी सावधान रहना है, क्योंकि एक वोट का महत्व जो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आम लोगों का भी है। तो हम चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे माताएँ हों, चाहे बहनें हों, उन लोगों को जानना होगा, समझना होगा। उससे पहले हमारे बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, जितने भी लीडर हैं, चाहे पार्टी के हों चाहे संगठन के हों, उन लोगों को एक मंच पे आना होगा, अगर वाकई आप बहुजन समाज का भला चाहते हो, बहुजन समाज की बात। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, युवा साथी रोशन टाइगर ने अपने बयान में दर्ज किया कि अगर बहुजन समाज का भला चाहते हैं तो सभी पार्टियाँ जो पार्टी हैं एक मंच पर आना पड़ेगा, तभी बहुजन समाज का भला हो पाएगा। तो हमारे साथ में अभी भी मौजूद हैं, हम उनसे एक और बात करेंगे। वो हमारा आखिरी सवाल है, पिछड़े वर्ग का जो जनगणना है उस पर क्या राय है आपकी? अभी जातीय जनगणना की बात है तो अभी आपने देखा होगा, चूँकि हम लोग प्रयागराज जनपद में जाकर के जिलाधिकारी महोदय को इस विषय पे भी ज्ञापन दिए हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अभी तक देश आज़ाद हुए 70 साल हो गया, जिस तरह से कुत्ते बिल्ली जानवरों की गणना की गई है, पशुओं की गणना की गई है, क्या व्यक्ति की जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? जातिगत जनगणना छुपा रहे हैं, इसलिए अगर सब कुछ खोल कर सामने दिखा देंगे तो आपको पता चल जाएगी कि हमारी औकात कितनी है। इसलिए सरकार की ये जो मंशा है पूरी तरह से इसका षड्यंत्र है कि हम जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे, अगर जातिगत जनगणना हो गई तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी संख्या कितनी है। तो जिस तरह से हमारे महापुरुष ने नारा भी दिया था, जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो संख्या हमारी भारी है लेकिन हिस्सेदारी भी मिल नहीं रही है, लेकिन जो संख्या हमारी भारी है उसको भी ये सरकार, जो तानाशाही सरकार है, जो मनुवादी सरकार है, जो ये पूरी तरह से कह दे जो हिटलर शाही जो सरकार है, ये पूरी तरह से ऐसे तमाम मुद्दों को दबाकर बैठी है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग एक बड़ा सा उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अगर जातिगत जनगणना नहीं होती है तो हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश हो या देश के कई ऐसे राज्यों में जहाँ पर हमारा संगठन चल रहा है, हम लोग एक उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, यहाँ का युवा जो विधानसभा फाफामऊ लगता है वो अपना दुख दर्द बताएं कि इस सरकार में कितना 69,000 OBC और महंगाई बेरोजगारी को लेकर सामना करना पड़ रहा है। दादा ये बताइए, ये कौन सा गांव लगता है? ये पपनाह गांव है, फाफामऊ विधानसभा का क्षेत्र का। अच्छा, अभी जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में विधानसभा को लेकर, जो इस समय सरकार चल रही है योगी सरकार, सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? कहाँ तक सफल है, कहाँ तक असफल है, कितना काम अच्छा हुआ है, कितना काम खराब हुआ है? सरकार तो ये पूरी तरह से फेल है। मैं अपनी व्यथा बता रहा हूँ कि यही हाईवे के बगल मेरा 10 बिस्वा का एक खेत है, 4 साल से एक दाना लौट के घर नहीं जाता।
क्या आपको किसान प्रतिनिधि नहीं मिलता क्या? वो तो मिलता है 2000 रुपए, उससे क्या होता है, हमारी फसल तो होनी चाहिए भाई। 5 किलो अनाज दे रहे हो, उससे क्या काम चलने वाला है? 2 साल से सारा धंधा चौपट हो रहा है कोरोना के नाम से, सारा बिजनेस बंद है, कमाई नहीं हो रही है, तो खाएंगे क्या? और सरकार की तो मंशा यही है कि ये जो बहुजन समाज हम लोग चिल्लाते हैं, उसके भी दिमाग में आता है कि इसको दबाओ। वो बाबा साहब कहा करते थे शिक्षित बनो, तो पहले शिक्षा को दबा रहे हैं। 1.5-2 साल से हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे वो बहुत सब भूल गए, और जो बड़े स्तर के थे भाई 9, 10, 11, 12 में थे। अच्छा दादा ये बताइए, अभी अभी कोरोना काल के चलते जो है डायरेक्ट बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है पढ़ा के, जैसे पढ़ाई नहीं हुई और प्रमोट कर दिया गया, तो उसके बारे में कहाँ तक सोच? हम तो इसके पूरी तरह से खिलाफ़ है। अगर बच्चे परीक्षा दें, फेल हो तो उनको फेल करो, पास हैं तो उनको पास करो। अगर सीधे आप प्रमोट करोगे तो बेरोजगारों की लाइन लग जाएगी। कल जो है गरीब के बच्चे हाई स्कूल इंटर करके वो खेतों में काम भी नहीं कर पाएंगे, कहेंगे हम इंटर पढ़े हुए हैं कैसे खेतों में काम करें। अगर वो 8वीं में फेल हो रहा है तो कम से कम गार्जियन कहेगा तुम फेल हो रहे हो, पास नहीं हो, चलो दूसरा काम करो, कुछ सीखो, और इसको इंटर तक तो ऐसे पास करते चले जाओगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, एकदम से बेकार हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा तो हम इन नेताओं से परेशान हैं जो हमारे समाज के आज लोकसभा विधानसभा में बैठे हुए हैं, और पूरी संख्या तो हमको क्लियर नहीं है, लेकिन हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि SC और BC लोग जो लोकसभा में बैठे हैं, 10% का वो जो आरक्षण आर्थिक आधार पर हो गया, इसी 50% में से लिया गया, कोई सबको साफ सुन गया तो कोई बोला नहीं, 24 घंटे में वो अध्यादेश कानून का रूप ले लिया। आपका कहना है जो 10% आरक्षण जनरल को मिला है वो 85% में से मिला, 50 से ही मिला है, तो कहीं ना कहीं जो है 85% तो में घात किया गया, उसका हक मारा गया। इनको बोलना चाहिए ना कि भाई अगर बैकवर्ड में से निकाला जा रहा है, 50 में से 10 निकाला जा रहा है, तो कहना चाहिए कि नहीं इसमें से नहीं निकाल सकते आप, ये SC BC का है, बैकवर्ड के लिए है, तो उसमें से क्यों आप निकाल रहे हैं? जनरल को आप दे रहे हो तो अलग से व्यवस्था करिए। जिस तरह से आपने बताया कि 85% के ही साथ घात किया गया, हाँ। और उनको आरक्षण दिया गया, हाँ। और कहीं ना कहीं जनरल को फ़ायदा लगा। हाँ। अभी यहाँ पे देखने को मिला आरक्षण पे बात हुई, कहीं ना कहीं जो है जनरल को लाभ हो रहा है और 85% को हानि हो रहा है। तो दादा जो है चुनाव को लेकर अब बात करेंगे, चुनाव किस पार्टी को आना चाहिए चुनाव में, और सरकार किसकी बननी चाहिए, किसकी? चुनाव तो देखिए हम एक जैसे हमारी जैसी विचारधारा है, हम बाबा साहब और कांशीराम जी के विचारधारा पर चलते हैं, तो हमारा तो ये मानना है कि इस विचारधारा वाले कई तमाम पार्टियां हैं, हमारी सलाह तो ये है कि सबको एक प्लेटफार्म पर एक मंच पर के आकर के, और उसमें अहम भावना टकराती है इसलिए एक मंच पर नहीं आते। कोई कहता है कि हमने पार्टी बनाया तो अगुआ हम ही होंगे, नहीं, अगर आप बहुजन समाज का भला चाहते हैं तो अपने मन का अहंकार निकालिए, एक मंच पर आइए, उसमें ये नहीं कि हमने पार्टी बनाया तो हम बड़का नेता हम ही बनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप समाज का भला चाहते हैं तो अहंकार मन से निकालेंगे तब एक मंच पर आएंगे तो सरकार तो एक दिन में पलट जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं बहन मायावती, और एक पार्टी और है अपने बहुजनों की जो बात करती है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है जो उसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर को डायरेक्ट जो है बहन मायावती कहती हैं कि ये RSS का एजेंडा है, तो उस पर आपकी क्या विचार? देखिए कहने को तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमको कहने के पहले उसकी गहराई तक जाना होगा, तब हम किसी को कह सकते हैं कि वो गलत है। और बाकी रही विचारधारा वाली बात तो वो भी तो सब ठीक है, साहब कांशीराम के सिद्धांत की बात करते हैं, 85-15 की बात करते हैं तो हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन भला बुरा कहने के पहले उसकी सच्चाई जानना चाहिए किसी को भी। साथियों जिस तरह से लगातार हमने सुना और देखा यहाँ पे, सभी लोग जो है गठबंधन की सरकार चाहते हैं, जितने भी बहुजन समाज के पार्टी हैं सबको एक मंच पे आना चाहिए और अपनी पार्टी बनाना चाहिए और अपनी पार्टी को सरकार में लाना चाहिए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।